सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज। श्री हनुमान मंदिर प्रबंधक समिति के द्वारा मंदिर प्रांगण में रामनवमी को लेकर विशेष बैठक आयोजित की गई। रामनवमी महोत्सव के लिए बैठक में सर्व समिति से 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमेंद्र कुमार अमर ने कहा कि विश्व कल्याण के लिए कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए रामनामी एकमात्र कल्याणकारी जाप है, इसलिए सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करते हुए रामनामी खुशी एवं उमंग से मनाएं। के साथ आज वर्ष 2021 की रामनवमी महोत्सव मनाने के उद्देश्य से बालाजी परिवार के प्रांगण में मंदिर प्रांगण के अंदर एक बैठक की गई। इस बैठक में मोहल्ले के और समिति के कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। आज के बैठक की अध्यक्षता श्री जय किशोर गुप्ता जी द्वारा की गई और संचालन मेरे द्वारा सुनील कुमार ठाकुर के द्वारा की गई। इस अवसर पर वर्तमान समय में जो महामारी कोरोना फैली हुई है, प्रशासन के साथ उनके दिशा निर्देशों को पालन करते हुए इस वर्ष बाबा की सेवा, बालाजी महाराज की सेवा, रामनवमी महोत्सव का सम्मान और समर्पण करने का तारतम्य बैठा करके पूरा करने का